बचपन में when I was 20 years old, मेरा फैमिली ने एक जापानीज गेस्ट हाउस पुरी में करा था ना नहीं, तब अब मेरा जापान के साथ कनेक्शन हुआ. अभी my age 50 years, so 20 साल में जापान में गया तो 30 साल जापान में हो गया ना नहीं, आधा टाइम जापान में हो गया. तो इसलिए ये सब बात जो मैंने इतना सब तो हो गया, अभी मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ. अभी कोबे, हिरोशिमा, होकाइडो, क्योटो, ये सब काम हो गया ना नहीं, तो ये तो सब मिल जाएगा जेएनटी को वेबसाइट में, ये सब मिल जाएगा. बाकी सब ट्रैवल एजेंसी हमारा जो जेटीबी, ये सब सब मिल जाएगा. मेरा बोलने मतलब है, मैं जापान में जब गया तो मेरा फादर, पिताजी माताजी ने मुझे नमस्कार सिखाया था, बट जापान में जाकर यदि और कुछ हार्डफुल अरिगातो गोजाइमासु, अरिगातो गोजाइमासु सेव चिकाना काम सिखा तो जापान में सिखाना नहीं. तो मेरा फादर मदर के बाद में यदि कोई मुझे रेस्पेक्ट सिखाया वो जापान ही सिखाया. तो अभी तक मैं दिल के अंदर में सोच रहा हूँ जापान मेरा कंट्री एक है, बड़ा करके नहीं बोलता हूँ, मैं सोचता हूँ जापान मेरा एक कंट्री है. अब 50 साल हो गया मेरा एज, अब आप देखो मेरा हेल्थ भी ठीक है. क्यों बोलेगा तो हम लोग जो इंडियन फूड खाते हैं उसमें स्पाइस ज्यादा है, पर स्पाइस को ठीक तरह हम लोग यूज नहीं करते. ज्यादा तेल में मछली फ्राई करते हैं, सॉल्ट ज्यादा डालते हैं, ये सब में हमको डायबिटीज, ये सब बीमार बहुत हो रहे हैं. बट मैं 50 साल तक हूँ, अभी एक दांत में भी कड़ा नहीं हुआ है. इसलिए बोले तो जापान का जो सूप है, हॉट सूप, जो मिसो सूप बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं वेजिटेरियन खाना चाहिए. जापान में वेजिटेरियन नहीं मिलते, जापान में बीफ खाली लोग खाते, वो नहीं चाहिए. वो जो नूडल सूप है, तोफू है, तापरे आपको उसको जो बोलते पकोड़ा है जापान का, टेम्पुरा, टेम्पुरा में आप ये भी प्रॉन नहीं खाएंगे. तो वेजिटेबल बहुत सारे वेजिटेबल है जापान, जैसे बैंगन का टेम्पुरा, तो कमल का कढ़ी जो है उसका, रेंगोन का टेम्पुरा, ये सब चीज. जापान का राइस में तो करी डालना जरूरत नहीं है, राइस को खाली खा सकते हो. कभी कभी इंडियन लोग हम जापान में जाते हैं ना, वो राइस 10 किलो लेके जाते हैं, जापान में राइस नहीं मिलेगा, बाद में उसको वापस लेके आते हैं, बोलते जापान राइस तो और टेस्ट नहीं, उसमें तो कुछ डालना नहीं पड़ता, एक व्हाइट स्टोन भी नहीं मिलता है उसमें, है ना नहीं. ये सब बात में मैं जापान में इतना टिका आना नहीं चाहता हूँ, जो रियल फील करता हूँ. अच्छा एक चीज है, अभी यहाँ में जो चाइना से जो ज्यादा लोग जा रहे हैं, कोरिया से ज्यादा लोग, हमारे देश से क्यों नहीं जाते हैं? एक मैं देखता हूँ बहुत दूर है, इस तरह वो लोग तीन घंटा में जा सकते हैं, हम लोग 7 घंटा होता है. हर एक लोग जापान का थिंकिंग अब तक था, जब इंडिया बहुत गर्म देश है ना नहीं, वो तो मैं जब गया जापान में भी, जापान लोग मुझे पूछते हैं इंडिया इज वेरी हॉट कंट्री, मतलब हम लोग गर्मी लोग हैं, आप लोग कूल लोग हैं ना नहीं, बट गर्मी कूल हमेशा जरूरत है. जब टेम्परेचर 40 डिग्री का हॉट वाटर हो जाता है तो ठंडा पानी तो मिक्स करना पड़ता है. इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूँ जापान यदि हार्डवेयर कि सॉफ्टवेयर हो गया, हम हार्डवेयर हो गया, ये दोनों का संपर्क तो जरूर चाहिए. मैं बोलता हूँ ये अभी तक तो जो हो गया, बोलेगे जब पैसा नहीं होगा तो जापान किस तरफ जाएगा ना नहीं. तो एक चीज मैं बोल रहा हूँ, पैसा वहां पर कमा सकते हैं. आप एक बार जाओ जापान में, अभी तगासा क्या बोले वीजा अभी मिल जाएगा. अच्छा स्टूडेंट वीजा अभी बहुत ईजी है. जापानी लैंग्वेज स्कूल में आप पढ़ने के लिए जाएगा, एक साल में 6 लाख रुपया आपको लगेगा, एक साल में खाना पीना रहना करके 6 लाख रुपया मिलेगा. जापान में एक नियम है, स्टूडेंट 4 घंटा काम कर सकते हैं डेली. तो एक अच्छा घर का बच्चे जापान में जाएगा, वो मॉर्निंग में काम पढ़ेगा, इवनिंग को जापानी स्कूल में जो काम करेगा 4 घंटा, रेस्टोरेंट में काम करेगा, खाना फ्री में मिल जाएगा नहीं. तो 4 घंटा कौन देखता है, यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा लोग है, कोई कोई घर में बेकार में कोई बेटा बैठा है, तो जापान में तो उसको पढ़ने के लिए सुबह पढ़ेगा, इवनिंग में 4 घंटा जापान के साथ काम करेगा, तो वहाँ पर क्या सिखाएगा, दो जगह यहाँ पर जो है इतना कर दो, पानी घर में डाल दो, गाड़ी में सफा कर दो, वहां पर अपना आप वो कर लेगा, तो बाद में अच्छा होके आ जाएगा. और जापान एक सेफ्टी कंट्री है. अब यदि आपको लड़की को जापान में छड़ेंगे ना, रात 12 बजे चल जाके सुपरमार्केट लोशन में बोलते थे, तो वहां पर उसका लाइफ बहुत अच्छा है. जाने से पहले 4 घंटा जापानी पढ़ लो, इंटरनेट में पढ़ लो, जापानी स्कूल इतना है, 4 घंटा जापानी, 4 महीने जापानी पढ़ेगा ना, तो आपका ट्रैवलिंग के लिए आपको इंटरप्रेटर नहीं चाहिए, आप जाके गली गली में जापान कर सकते हैं. मैं जितना भूत हूँ ठीक है. आप एक चीज है, आप ओसाका में कंसाई एयरपोर्ट में उतरेंगे ना, आपको वहां से आपको जापान का टेक्नोलॉजी मालूम पड़ेगा. जापान का टेक्नोलॉजी क्या है, एक समुद्र को पानी में डाल के, हाँ हमेशा तो जिसी में आप कोई किसी को होते रहता है, ये लोग बहुत काम करते हैं, इसलिए भगवान ये लोग अभिशाप देता है क्योंकि मालूम नहीं पड़ता है. बट ठीक है, ये देश में जाके हमारे देश में अभी होगा,
अभी नेपाल में भी आर्थिक हो रहा है, क्योंकि जगन्नाथ पुरी में बोल रहे हो अरे भाई इस तरह बिल्डिंग बनाते हैं स्ट्रॉन्ग नहीं, कुछ नहीं जगन्नाथ है ना सब कुछ हो जाएगा ना, नहीं तो और एक चीज में बोलता हूँ गाड़ी में जितना पोल्यूशन यहाँ पर होता है मैं इंडिया को खराब नहीं बोलता हूँ, तो रियल योगा तो इंडिया में है, मैं देखता हूँ जापान में रियल योगा है तो घर के अंदर में भी पार्क में बैठ जाएगा तो मेडिटेशन हो जाते हैं, गाड़ी के अंदर में कोई चाय डालता है तो उसका साउंड में मेडिटेशन होता है, या तो साउंड पोल्यूशन कभी आप 5 साल के बाद में क्या होगा मुझे लगता नहीं होगा, तो जब इंडिया में थक जाता हूँ 2 महीने जाता हूँ जापान में बैठता हूँ कोई गली में घूम जाता है तो मेडिटेशन हो जाता है। होटल में आप रहेगा ना आप मैं बोलते कलकत्ता में घूम के आ जाएगा घर के अंदर में बैठ जाएगा आप कितना शांत लगता है, एसी लगाएगा क्योंकि ताका साहब बोलते हैं कितना ठंडा लगता है, बट जापान में आप ना होटल के अंदर में नहीं रहेगा, आप बाहर बोले लीजिए बाहर ही होते 5 स्टार होटल, आप होटल के अंदर में नहीं रहेगा यहाँ पर तो आप लग जाए होटल में रह जाएगा ना, ये सब चीज इतना बोलने की ठीक नहीं है, बट बहुत अच्छा देश है दोस्त कंट्री है बहुत सारे बढ़ रहे हैं हमारा संपर्क, ये तो ये बहुत बड़ा चेंज हो सकता है मैं सोचता हूँ। अच्छा कौन से एयरपोर्ट में हम उतरे तो एयरपोर्ट जिस तरह बना है हमारे इंडिया में तो चारों साइड में समुद्र है, इसको अभी टेक केयर करना पड़ेगा धीरे धीरे वो भी होगा उसके सेव करने के लिए, हम जापान जाएंगे तो हम जो पैसे यूज करेंगे हम कुछ टेक्नोलॉजी सीख के आएंगे वहां से, मेरा सूत्र है खाने का हो गया रेस्टोरेंट लाइन हो गया, जापान में तो कोई रेस्टोरेंट में जाएगा तो आपको तो बीमारी नहीं होगा, यहाँ पर कभी कभी नहीं बोलना नहीं चाहते कोई बड़ा होटल के किचन के अंदर जाएगा तो बर्तन किस तरह धोते मालूम नहीं पड़ेगा ना, नहीं इसमें तो आपके ए बी सी डी का एन हो जाएगा, नहीं आधा गांव में जाए बोलता नहीं बड़ा पॉपुलेशन बड़ा प्रॉब्लम है, बट एक एक रूल रेगुलेशन बहुत अच्छा है, वहां से हम कुछ जापान से सीख के आएंगे तो जरूर इंडिया को और मजबूत बना सकते हैं। हमारे मोदी जी जापान गए थे जब गए वो स्कूल में स्कूल बच्चे लोग खाना खाने के बाद में टॉयलेट सफाई करते हैं, यहाँ पर तो आंटी भी बुलाते आंटी आजा सफाई करो चॉकलेट खाता है फेंक देते हैं, हमारा देश में इतना गली गली में इतना विनिल प्लास्टिक कभी घिर रहे है कोई सोचते नहीं, पर जापान में एक बच्चे से आप सीखेगा एक चॉकलेट खाएगा तो पॉकेट में डालते हैं, एक चीज में बोलता हूँ क्लीन सेफ्टी ये चीज तो जापान को मानना पड़ेगा, और सर्विस तो बहुत नंबर वन है, वैसे कोई सिक्के में आएगा तो हमारे देश में और बहुत कुछ हम कर सकते हैं, भाषा का थोड़ा प्रॉब्लम है भाषा 4 महीना पढ़ के जाके करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, इतना करके मेरा वक्त वो करता हूँ